राजस्थान में उदयपुर से जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को सोमवार सुबह बदमाशों ने पटरी से उतारने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के मंसूबे लोको पायलट की सजगता से उनके मंसूबे असफल हो गए। दरअसल उदयपुर से जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को सोमवार सुबह बदमाशों ने पटरी से उतारने की कोशिश की। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख दिए थे। समय रहते लोको पायलट ने अनहोने को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया। मामला भिलवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर पहले का है, जहां पर सोनियाना व घंघरा रेलवे स्टेशन के बीच का ये मामला है। जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से सुबह 7:50 पर रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। चित्तौड़गढ़ से करीब 9:30 पर भिलवाड़ा के लिए निकली थी। इस दौरान बीच रास्ते सोनियाना व घंघरा रेलवे स्टेशन के बीच लोको पायलट को पटरियों में कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन से उतरकर देखा तो करीब 50 फीट की पटरी पर टुकड़ों टुकड़ों में पत्थर और सरिये रखे मिले। वहीं लोको पायलट ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस के साथ ही रेलवे के तमाम अधिकारी पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि क्षेत्र में ही रहने वाले कुछ शरारती लोगों ने इस तरीके की हरकत की है। मामले की रेलवे पुलिस जाँच कर रही है। वहीं 8 दिन में दूसरी घटना, उदयपुर से जयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के साथ 8 दिन में ये दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले ही ट्रेन पर एक युवक पत्थर मारकर कांच तोड़ दिए थे। घटना गंगरार भीलवाड़ा के मेवाड़ कॉलेज के पास हुई थी। नीचे ये रखा हुआ, ये बनाओ, ये खास बस। हटा दी, हटा दो। इधर इधर ये बनाओ खास। ये देखो ये कैसा काट के रखा है। ये देखो ये कैसा गाढ़ा हुआ है। ये तो बहुत खतरनाक है यार। इसका फोटो खींचो।